हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th। क्लास 11th एक्सरसाइज है हमारे पास 12.3। 12.3 में हम क्या पढ़ेंगे, सेक्शन फार्मूला जो हम यूज़ कर रहे थे, रेशियो एंड सेक्शन फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे आज हम, इंटरनली एक्सटर्नली और रेशियो। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट द पॉइंट्स -2, 3, 5 एंड 1, -4, 6। अब ये बोल रखा है आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, कौन सा जो इस लाइन को डिवाइड करता है, 2:3 इंटरनली। अगर इंटरनली दे रखा है तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव। कैसे, देखो ए हमारे पास है -2, 3, 5, बी हमारे पास है -1, 4 और 6, सी हमारे पास जो पी है वो पॉइंट हमने मान लिया एक्स वाई जेड। कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी का जो कोऑर्डिनेट है वो हम निकालने के लिए क्या करेंगे, मीन्स एम, एम वन और एम टू हमारे पास क्या थे, एम और एन लेके चलेंगे हम, एम रेशियो एन। ये हमारे पास एम है और ये एन, एम रेशियो एन में। अब क्या है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस वन, और दूसरा क्या आ जाएगा, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस वन और एन, और एम जेड टू प्लस एन जेड वन बाई एम प्लस एन। एम हमारे पास क्या है, 2 है हमारे पास है, और एक्स टू हमारे पास कितना है, 1, 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2 माइनस। अब देखो ये प्लस था, और एन एक्स वन, एन हमारे पास कितना है 3, और एक्स वन की वैल्यू 2, 3, 2 जा 6, माइनस का 6 आ गया भाई 2 प्लस 3। सेकेंड हमारे पास है वाई टू पर, अब हमारे पास ये क्या है, एम हमारे पास 2 है और वाई टू हमारे पास कितना है -4, 2 और -4 की -8 आ जाएगी, प्लस 3 और 3 की मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई एम प्लस एन 5 आ जाएगा। एम जेड टू, एम हमारे पास क्या है 2 है और जेड टू हमारे पास कितना है 6 है, 2, 6 जहाँ 12, प्लस आ जाएगा बीच में, और 3 की और 5 की मल्टीप्लाई 15 बाई 5, 2 माइनस 6 कितना आ जाएगा -4, -4 बाई 5, 9 में से 8 जाएगा 1, 1 बाई 5, 9 में से 8 जाएगा 1, और 12 और 15 को ऐड करेंगे 27 डिवाइडेड बाई 5। ये हमारे पास आ गया पी का कोऑर्डिनेट। दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, एक्सटर्नली। अब इंटरनली तो क्या था, उसके अंदर ही कोई पॉइंट था, एक्सटर्नली है तो उससे बाहर है कोई पॉइंट, तो एक्सटर्नली के हमें क्या करना है, माइनस करना है 2:3 एक्सटर्नली। अब माइनस कर देंगे, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बाई एम माइनस एन, एम वाई टू माइनस एन वाई वन बाई एम माइनस एन, एंड एम जेड टू माइनस एन जेड वन बाई एम माइनस एन। अब ये हमारे पास क्या आया था, जो ऊपर आया था वही है, माइनस की जगह प्लस करना है, प्लस की जगह माइनस, 2 प्लस 3, 6 कर देंगे और 2 माइनस 3। अब ये था -8 और प्लस की जगह -9, 2 माइनस 3 हो गया, और 12 माइनस 15 बाई 2 माइनस 3, 6 टू 8 और 8 बाई 1 आ जाएगा, 8 बाई -1 तो क्या आएगा -8, -8 माइनस 9 -17 आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा, -1 माइनस से -1 कैंसिल हो गया, 12 माइनस 15 माइनस 3, और बाई में माइनस है तो कैंसिल हो गया, क्या आया 3। ये हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये एक्सटर्नली के आ गए और ये इंटरनली के। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। गिवन दैट पी एक्स 3, 2 माइनस 4, क्या 5, 4 माइनस 6 एंड आर है हमारे पास 9, 8 माइनस 10, आर कोलिनियर। आपको ये दे रखा है, ये जो पॉइंट्स हैं कोलिनियर है, फाइंड द रेशियो ऑफ विच क्या डिवाइड पी आर। तो आपसे पूछ रखा है कि रेशियो फाइंड करनी है, किसकी, क्या की रेशियो फाइंड करनी है, जब हमारे पास पी और आर दो पॉइंट्स दे रखे, तो क्या की रेशियो फाइंड करो कि क्या उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम इनकी जो सेक्शन फॉर्मूला उससे निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट को इसके इक्वल रख देंगे, लेट रेशियो के रेशियो 1। एक्स का अगर हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला था, एम टू एक्स वन प्लस एम वन एक्स टू बाई एम प्लस एन, एम एन लिखेंगे, एम एक्स वन प्लस एन एक्स टू बाई एम प्लस एन आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्या है, एम हमारे पास क्या है के, और एक्स वन हमारे पास क्या है 9। अगर हम एक्स वन और एक्स टू से निकाल रहे हैं तो ये हमारे पास एक्स टू हो जाएगा और ये एक्स वन हो जाएगा। तो ये एक्स टू है, एक्स टू हमारे पास कितना है 9, तो के मल्टीप्लाई 9 प्लस। अब हमारे पास एन और एक्स वन, एन हमारे पास कितना दे रखा है 3 है, और n हमारे पास 1 है और x1 हमारे पास 3 है, 3 की और 1 की मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा बाई k प्लस 1। अब रेशियो जो ये कोऑर्डिनेट है, ये क्या आ रखा है हमारे पास, क्या पॉइंट में 5 आ रखा है, तो इज इक्वल टू 5 रख लेंगे, 9k प्लस
थ्री बाई के प्लस वन इज इक्वल टू फाइव। फिर हम इसको क्या करेंगे, अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, नाइन के प्लस थ्री इज इक्वल टू में जाएगा फाइव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फाइव के प्लस से फाइव आ जाएगा, नाइन के फाइव के को इधर लेके आए माइनस से, फाइव के इज इक्वल टू फाइव इधर लेके आए माइनस थ्री आ जाएगा, नाइन के में से फाइव के जाएगा फोर के इज इक्वल टू फाइव में से थ्री का टू, के इज इक्वल टू टू बाई फोर कैंसिल होके के की वैल्यू आएगी वन बाई टू। जब वन बाई टू को हम रेशियो में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, के हमारे पास क्या आया वन बाई टू और रेशियो वन, एलसीएम लेंगे तो टू उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा वन रेशियो टू। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड द रेशियो इन विच वाई जेड प्लेन डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स माइनस टू फोर सेवन एंड थ्री माइनस फाइव एट। आपको रेशियो निकालनी है, फाइंड द रेशियो, रेशियो निकालनी इन विच, जिसके अंदर, किसके अंदर, वाई जेड प्लेन है डिवाइड द लाइन सेगमेंट, जो वाई जेड प्लेन है वो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है और ये आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। अब वाई जेड प्लेन है तो इट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, तो ये जो हमारे पास पॉइंट आया क्या आ जाएगा जीरो वाई जेड। ए और बी हमारे पास ये पॉइंट दे रखे हैं। अब ये किसको रेशियो में डिवाइड करता है, के रेशियो वन। अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट से लेके चल पड़ेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट से वैल्यू निकाल दोगे एम एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस वन, एम हमारे पास क्या है के, एक्स टू हमारे पास कितना है थ्री के मल्टीप्लाई थ्री प्लस एन हमारे पास वन है और एक्स वन के माइनस टू है तो क्या आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई के प्लस वन, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री के माइनस टू इज इक्वल टू में क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है जीरो है तो इज इक्वल टू जीरो। अब टू को उधर लेके गए प्लस का टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई से इधर जाएगा डिवाइड में तो क्या आया टू बाई थ्री। जब हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या है, के रेशियो वन है, के की वैल्यू आ गई टू बाई थ्री वन, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा टू रेशो थ्री। ये हमें निकालना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करना है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कॉलिनियर, और हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ए बी और सी ये कॉलिनियर हैं। अब देखो ए बी और सी है, तीन पॉइंट्स दे रखे हैं हमारे पास, तीनों पॉइंट्स को अगर हम लेके चल रहे हैं तो हम कैसे प्रूव करेंगे, देखो ए बी और सी, ए हमारे पास क्या माइन टू माइनस थ्री फोर, बी हमारे पास माइनस वन टू वन और सी है हमारे पास जीरो वन बाई थ्री और टू। अब हम प्रूव करेंगे कैसे, एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए क्या करेंगे एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, पहले हम रेशियो निकाल लेंगे कि ये किस रेशियो में है एक्सटर्नली इंटरनली से। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, एम एक्स टू, एम हमारे पास कितना है के, एक्स टू हमारे पास जीरो है प्लस एन वन है और एक्स वन हमारे पास टू बाई के प्लस वन, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो प्लस टू बाई के प्लस वन इज इक्वल टू एक्स वन, हमारे पास क्या है एक्स माइनस वन, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस के माइनस वन इज इक्वल टू टू, माइनस के इज इक्वल टू इधर गया प्लस हो गया तो टू प्लस वन कितना आएगा थ्री, के की वैल्यू क्या आएगी माइनस थ्री। अगर हमारे पास के की वैल्यू माइनस थ्री है तो इट मीन्स हम इसको क्या बोल देंगे, एक्सटर्नली है, इंटरनली होता तो पॉजिटिव देगा वैल्यू, इट मीन्स ये कैसा है एक्सटर्नली, अगर एक्सटर्नली है तो क्या बोल देंगे कि एक्सटर्नली हमारे पास पॉइंट बी, ये जो हमारे पास बी पॉइंट है ये क्या है ए सी पॉइंट से एक्सटर्नली मीन्स बाहर है तो किस रेशियो में है, थ्री रेशियो वन के अंदर है। अब वाई पॉइंट निकाल लेंगे इसी तरह से, एम वाई टू माइनस एन वाई वन बाई एम माइनस एन, एक्सटर्नली के लिए निकाल लेंगे, अब तो हम इंटरनली के लिए करेंगे ही नहीं, थ्री वाई टू की वैल्यू है वन बाई थ्री माइनस एन हमारे पास वन है और वाई वन माइनस थ्री बाई थ्री माइनस वन, थ्री से थ्री कैंसिल आ जाएगा वन माइनस माइनस प्लस थ्री वन प्लस थ्री बाई टू, थ्री प्लस वन फोर, फोर बाई टू क्या आया टू, जेड हमारे पास क्या आ जाएगा एम जेड टू माइनस एन जेड वन बाई एम माइनस एन, इसी तरह इसको सोल्व कर देंगे थ्री इंटू टू माइनस वन इंटू फोर, थ्री माइनस वन थ्री टू जो सिक्स माइनस फोर बाई टू, टू बाई टू कितना आ जाएगा वन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आया वन टू और माइनस वन, वही पॉइंट्स आ गए, वही पॉइंट्स आ गए तो क्या बोल देंगे, तो पॉइंट्स आ रहे कॉलिनियर। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन नंबर, फिफ्थ में क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट से। आपको ये बोल रखा है कि ये जो लाइन है इसको क्या करती है, ट्राइसेक्ट करती है, ट्राइसेक्ट मीन्स थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, वन टू थ्री, इट मीन्स दो पॉइंट होंगे, एक सी ले लिया एक डी ले लिया, पी और क्यू के बीच में। अब पी हमारे पास कितना है फोर माइनस टू माइनस सिक्स, क्यू हमारे पास क्या है टेन माइनस सिक्सटीन सिक्स। अगर सी देखते हैं तो सी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इधर कितना पार्ट है वन और उधर कितने पार्ट बच गए
टू, तो 1:2। और अगर ये पॉइंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2:1, क्योंकि इससे इधर 2 पॉइंट है और इधर 1 है हमारे पास सेक्शन। तो सी पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, 1:2। 1:2 से सॉल्व करेंगे, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन, एम जेड टू प्लस एन जेड वन बाई एम प्लस एन। अब देखो एम हमारे पास कितना है, यहाँ पे हम रेशियो लेके चल रहे हैं, एम हमारे पास कितना है 1, और एक्स टू हमारे पास कितना है 10। 10 1 जहाँ 10 प्लस 4 2 जहाँ 8 बाई 1 प्लस 2। इसी तरह से इसको करेंगे -16 प्लस 4 बाई 1 प्लस 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 -12 बाई 1 प्लस 2। 10 प्लस 8 18, 18 बाई 3 कितना आएगा 6, -16 प्लस 4 आएगा -12, और -12 बाई 3 कितना आ जाएगा -4। 6 -12 -6, -6/2 -3 -2 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास सी पॉइंट। उसके बाद हमें निकालना है डी पॉइंट। डी पॉइंट के लिए किस रेशियो में, 2:1 में है, तो 2:1 में जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट्स पे 2:1 लगा देंगे, 2 × 10 प्लस 4/2 + 1 -32, क्योंकि 16 2 जहाँ 32 होता है, -32 प्लस 2 1 जहाँ 2 आ जाएगा बाई 2 + 1, और 12 - 6/3 आ जाएगा, 10 2 जहाँ 20 प्लस 4 24/3, -32 + 2 -30/3 आ जाएगा। और थर्ड हमारे पास क्या, 12 - 6/3 तो 6/3, 3 से कैंसिल कर देंगे 8 आ जाएगा, इससे कैंसिल करेंगे -10 और 2, ये हमारे पास आ जाएगा डी पॉइंट, जो हमारा रेशियो दे रखी है। तो ये हमारे पास तीन सेक्शंस में डिवाइड करते हैं पॉइंट सी और डी, और ये दोनों सी और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये थी हमारी एक्सरसाइज 12.3। ओके, थैंक यू।